हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल वेलकम टू इकोसो स्टूडेंट्स बिजनेसेस को बहुत बार बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए यानी कि एक दो दिन या फिर पंद्रह दिन एक साल के अंदर के छोटे पीरियड के लिए भी शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त इतने कम समय के लिए जैसे कि पंद्रह दिन के लिए लोन चाहिए तो उसके लिए बैंक की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है मतलब पंद्रह दिन उसमें ही चले जाएंगे, राइट तो और फिनेंस की अर्जेंसी भी होती है तो ऐसे समय बिजनेसमैन हो बैंक हो या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो इवन गवर्नमेंट हो उनको अगर मनी रेज करना है यानी कि मनी बोरो करना है तो उसके लिए मनी मार्केट एक बहुत ही अच्छा जरिया है तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन डिटेल में स्टडी करेंगे मनी मार्केट क्या है उसके डेफिनेशंस रोल एंड फंक्शंस मनी मार्केट का स्ट्रक्चर इन डिटेल स्टडी करेंगे तो वीडियो अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखिए तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट इट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स अभी शॉर्ट टर्म मतलब पीरियड क्या होता है वन डे टू वन ईयर मतलब एक दिन के कम पीरियड के लिए या फिर अप टू वन ईयर तक इसमें फंड्स की लेंडिंग एंड बोरोविंग होती है तो यहाँ पे कोई कॉल सिक्योरिटी का यूज तो नहीं होता है क्योंकि ये जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होते हैं मतलब सपोज़ अगर मुझे मनी मार्केट से मनी बोरो करने हैं तो मैं कोई तो इंस्ट्रूमेंट सेल करूंगी। इंस्ट्रूमेंट सेल करने के बाद सामने वाला मुझे उसका पेमेंट करेगा यानी कि मैं मनी बोरो कर रही हूँ ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे किसी को मनी लैंड करना है तो मैं इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का कोई भी परचेस करूँगी मैं इंस्ट्रूमेंट परचेस करूंगी और उस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट मैं सामने वालों वाले को कर दूंगी इसका मतलब मैंने मनी लैंड किया है मीन्स मनी मार्केट में जो भी लैंडिंग एंड बोरोविंग होती है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के सेलिंग एंड बाइंग के थ्रू होती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ला यानी कि ट्रेजरी बिल्स हो सकता है कमर्शियल पेपर्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स रेपो रिवर्स रेपो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल में देखेंगे अब इसके डेफिनेशन देखते हैं एन ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव एंड स्मूथ ट्रांसफर ऑफ मनी कैपिटल और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट uh, देखो फिनांशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो हमारे पास हमने जो बोला आपको कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वही फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स सीपी सीडीज वगैरह उसके बाइंग एंड सेलिंग से अगर मनी का लेंडिंग एंड बोरोविंग होता है तो ऑब्वियसली मनी स्मूथली ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि कोई फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करनी आपको बस वो इंस्ट्रूमेंट परचेस करना है या फिर आपको वो सेल करना है एंड लेंडिंग बोरोविंग विल बी कैरी आउट तो इसीलिए स्मूथली ट्रांसफर होता है एंड इफेक्टिव होता है इमीजिएटली उसका इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं इमिजिएटली होता है वो देन ये जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू होते हैं ऑनलाइन कंप्यूटराइज ट्रांजैक्शन होते हैं देन कलेक्शन ऑफ मार्केट्स भले हम लोग कहते हैं कि मनी मार्केट इट इज़ अ सिंगल मार्केट राइट बट वो एक सिंगल मार्केट नहीं है मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए एक सेपरेट मार्केट बनता है और ये सारे मार्केट कलेक्टिवली मनी मार्केट फॉर्म करते हैं जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के लिए सी मार्केट कमर्शियल पेपर्स के लिए सी मार्केट मार्केट बिल्स के लिए टी मार्केट तो ऐसे अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स हैं और वो कंबाइन करके हमारा मनी मार्केट बनता है देन uh, uh, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो कैसे शॉर्ट टर्म है क्योंकि वो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं वन डे टू वन ईयर तक ही एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए वो हम लोग बाई या सेल नहीं कर सकते सेम इंस्ट्रूमेंट एंड हाईली लिक्विड है हाईली लिक्विड मीन्स एनी टाइम वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द कैश लिक्विडिटी मीन्स फॉर फ्लो ऑफ कैश तो मेरे पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो किसी भी समय में वो सेल कर सकती हूँ सेल करूँगी मुझे कैश मिल जाएगा यानी कि वो हाईली लिक्विड है और इसीलिए मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें क्लोथ सब्सटीट्यूट ऑफ मनी ऐसे भी कहा जाता है देन मैच्योरिटी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वन डे टू वन ईयर मतलब उतना ही पीरियड तक हम लोग वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं और मनी मार्केट मनी मार्केट किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के थ्रू चलता है सो आई होप यहाँ तक समझा होगा आपको नेक्स्ट देखते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट रोल एंड फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट फर्स्ट पॉइंट है इक्विलीब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यानी कि पे एक परफेक्टली कम्पिटिटिव मैकेनिज्म फॉलो होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पॉइंट पे फंड्स की डिमांड फंड्स के सप्लाई के इक्वल है वो पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट मनी मार्केट में डिसाइड होता है सो हियर विल राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू आरबीआई। एज वी नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे इसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मनी मार्केट आरबीआई को हेल्प करता है जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है या फिर लिक्विडिटी डिक्रीज करनी है उसके अकॉर्डिंग आर बी आई रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट ये सब रेट्स में चेंजेस लाती है और अकॉर्डिंगली मार्केट में मनी सप्लाई चेंज होता है जैसे कि मार्केट में अगर रिसेशन है तो मनी सप्लाई ऑलरेडी कम है तो ऐसे वक्त आर बी आई अलग अलग पॉलिसी रेट्स डिक्रीज करती है जिसकी वजह से मनी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज होगी और इकोनॉमी रिवाइवल स्टार्ट कर सकती है इसके अगेंस्ट अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आर अलग अलग रेट इंक्रीज करेगी तो मनी सप्लाई कम होगा मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगी देन थर्ड पॉइंट एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट जैसे कि बैंक्स के पास सपोज कुछ फंडस है दो या तीन दिन के लिए फंड है तो वो फंड जनरली बैंक नॉर्मली हम लोग सोचेंगे कि दो तीन दिन, दिन के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे राइट तो यहाँ पे मनी मार्केट में इतने शॉर्ट पीरियड के लिए बैंक्स या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बिजनेसमैन इन्वेस्टर वो फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर भी इनकम अर्न कर सकते हैं देन फंड्स टू यूजर्स जैसे कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स है उसी तरह कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म में फ़ंड्स की ज़रूरत होती है और उनकी ये ज़रूरत मनी मार्केट के थ्रू कंप्लीट होती है और उन्हें एक अच्छे रेट पे मार्केट डिटरमाइन रेट पे फंड्स अवेलेबल भी होते हैं तो यूजर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है यूजर्स अगेन बैंक गवर्नमेंट देन आर हो सकती है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है देन एलोकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स इकोनॉमी में जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल है वो अलग अलग सेक्टर के लिए एलोकेट करना उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसका यूज़ करना यहाँ पे पॉसिबल है सेम वे अगर एक बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड्स या दूसरे बैंक के पास नहीं है तो एक बैंक से वो फंड दूसरे बैंक के पास मनी मार्केट के थ्रू जा सकते हैं यानी कि फंड्स अच्छे से एलोकेट हो सकते हैं नेक्स्ट इज नॉन इन्फ्लेशनरी वे ना ये पॉइंट बिलोंग करता है गवर्नमेंट के लिए क्योंकि जब भी गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट होता है यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से बहुत ही ज़्यादा है तो वो डेफिसिट फुलफिल करने के लिए बहुत बार गवर्नमेंट डेफिसिट फिनंसिंग करती है डेफिसिट फिनांसिंग यानी कि जो भी गैप है रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर के बीच में उतनी अमाउंट की करेंसी आर के थ्रू प्रिंट करा के वो एक्सपेंडिचर की नीड फुलफ़िल की जाती है बट इससे टोटल मनी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होकर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकती है ऑन दी अदर हैंड जब ये फंड गवर्नमेंट मनी मार्केट के थ्रू बोरो करता है तो ये नॉन इन्फ्लेशनरी वे रहता है क्योंकि इकोनॉमी का जो टोटल मनी सप्लाई है वो कॉन्स्टेंट रहता है और गवर्नमेंट को ईजिली फंड भी मिल जाते हैं सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझे होंगे नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन मनी मार्केट इंडियन मनी मार्केट दो पार्ट में डिवाइड होता है फर्स्ट पार्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकेंड पार्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो रेगुलेटेड है जिसके ऊपर आर का कंट्रोल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिसके ऊपर आर का या फिर किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन का किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर में अलग अलग प्लेयर्स हैं पार्टिसिपेंट्स हैं और अनऑर्गेनाइज में भी अलग अलग प्लेयर्स एंड पार्टिसिपेंट है तो पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर हीयर द फर्स्ट पार्टिसिपेंट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ आर बी आई हमारे सेंट्रल बैंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है क्योंकि हमारा जो मनी मार्केट है वो आर बी आई के डायरेक्ट रेगुलेशन में आता है आर बी आई मनी मार्केट की पूरी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती है उसे जब भी मॉनिटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती है या फिर किसी रेट्स में चेंज करना होता है यानी कि रेपो रिवर्स रेपो में तो पहले मनी मार्केट की सिचुएशन क्या है वो चेक करती है अकॉर्डिंगली डिसीजन लेती है क्योंकि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट मेंटेन रखना वो ज़्यादा इंक्रीज ना होने देना ना ही डिक्रीज होने देना यानी कि स्टेबिलाइज रखना आर का, का काम होता है उसी तरह अगर प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है तो जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया इन्फ्लेशन है तो आर अलग अलग पॉलिसी रेट्स इंक्रीज करती है डिफ्लेशन या डिप्रेशन है तो अलग अलग पॉलिसी रेट्स आर डिक्रीज करती है यानी कि आर इसके थ्रू प्राइस स्टेबिलिटी भी मेंटेन रखती है इकोनॉमी में और लिक्विडिटी भी मेंटेन रखती है क्योंकि अगर आर पॉलिसी रेट्स इंक्रीज करती है तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई कम होगा यानी कि लिक्विडिटी कम होगी पॉलिसी रेट्स अगर डिक्रीज हो गए तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा यानी कि लिक्विडिटी इंक्रीज होगी ये कैसे होता है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे इसीलिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखना पड़ेगा देन आर बी गवर्नमेंट के लिए भी एक मर्चेंट बैंकर करके काम करती है मतलब गवर्नमेंट को जब भी प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में किसी भी तरह फंड्स रेज करने हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आर गवर्नमेंट के बिहाफ सिक्योरिटीज़ मनी मार्केट में इशू करती है और आर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के लिए एज अ अंडर भी काम करती है यानी कि उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व है बिकॉज देखो अगर हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करते तो एक रिस्क होती है हम लोग गवर्नमेंट को मनी लेंड कर रहे हैं तो ऐसे वक्त वो जो रिस्क होती है वो भी एज अंडर आर ले लेती है तो नेक्स्ट हम लोग देखते गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज अ बिगेस्ट बोरोवर इन द इंडियन मनी मार्केट जब भी गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट होता है यानी कि एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू तो आप गवर्नमेंट को मनी बोरो की जरूरत पड़ती है और शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट मनी मार्केट में मनी सिर्फ बोरो करता है गवर्नमेंट कभी भी मनी लेंड नहीं करता है मनी मार्केट में स्पेशली इन इंडिया तो ही इज अ बिगेस्ट बोरो इन द इंडियन मनी मार्केट देन थर्ड है बैंक्स कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स भी मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम्स में ट्रांजेक्ट करते हैं उनके ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है और वो दोनों साइड से लेंडिंग भी करती है और बोरोंग भी करती है तो उनके ट्रांजेक्शन्स की इस वॉल्यूम की वजह से मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट मनी के डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होते हैं डिमांड एंड सप्लाई मीन्स फॉर डिमांड मनी के होते हैं यानी कि बोरोविंग होती है सप्लाई होता है यानी कि लेंडिंग होती है तो यहाँ पे बैंक्स का रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है बैंक्स की तरह ही जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स है अलग अलग उनका भी रोल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनके भी वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के बहुत ज़्यादा होते हैं और वो मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट पे बैंक की तरह ही बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं और इंडिया में बहुत सारे ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो सिर्फ एंड सिर्फ मनी मार्केट में ही काम करती है देन नेक्स्ट इज बिजनेस कॉरपोरेट्स बिजनेस कॉरपोरेट्स को जनरली वर्किंग कैपिटल नीड्स फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत होती है वर्किंग कैपिटल मीन्स उनको अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए बहुत बार फंड्स की जरूरत होती है और वो जरूरत मनी मार्केट के थ्रू वो फुलफिल कर सकते हैं हाँ पर यहाँ पे और एक बात ये है कि बिजनेस कॉर्पोरेट्स कभी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहते कभी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी मनी बॉरो करते हैं देन नॉन बैंक फिनेंशियल इंटरमीजरीज मतलब फिनेंशियल इंटरमीजरीज है लोग जो लोगों से अलग अलग स्कीम देके या फिर अलग अलग फॉर्म में डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं ये बैंक के डिपॉजिट की तरह नहीं होता है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है हाँ पर इनका जो मनी मार्केट का पार्टिसिपेशन होता है उसमें गवर्नमेंट कुछ रूल या फिर आर कुछ रूल इम्प्लीमेंट कर सकती है जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अगर इंडियन मनी मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो उनको कंपलशन है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं इससे गवर्नमेंट को भी इजीली फ़ंड्स अवेलेबल हो जाता है द नेक्स्ट इज डिस्काउंट एंड फिनेंस हाउस ऑफ इंडिया शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे डी एफ एच आई डी एफ एच आई का रोल इंपॉर्टेंट है मनी मार्केट के लिए सेकेंडरी मार्केट डेवलप करना जैसे शेयर मार्केट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होता है सेम वे मनी मार्केट में भी होता है प्राइमरी मनी मार्केट मीन्स जहाँ पे कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट टाइम सेलिंग के लिए आता है एंड सेकेंडरी मीन्स जहाँ पे ऑलरेडी इशूड इंस्ट्रूमेंट की अगेन एंड अगेन बाइंग एंड सेलिंग होती है तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सेकेंडरी मार्केट डेवलप करने का काम डी का होता है ये डी कैसे करती है जैसे कि सपोज़ मैंने प्राइमरी मार्केट में मनी मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए हैं और बाद में सेल करने हैं लेकिन बायर कोई भी नहीं है तो ऐसे वक्त वो इंस्ट्रूमेंट डेवलप ही नहीं होगा उसका मार्केट ही डेवलप नहीं होगा क्योंकि उसके लिए फिर सेकेंडरी मार्केट में बायर नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में डी क्या करेगी वो सिक्योरिटीज़ वो इंस्ट्रूमेंट्स डी एफ एच करेगी मतलब मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग डी एफ वो इंस्ट्रूमेंट्स बाय या सेल करती है और उन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सेकेंडरी मार्केट डेवलप करती है इसी के साथ मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो भी स्टेबिलाइज करने का काम डी करती है एज वी हैव सीन कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होते हैं बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यानी कि अगर किसी भी समय मनी मार्केट में फंड्स की डिमांड इंक्रीज होती है सप्लाई कॉन्स्टेंट है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा ऐसे वक्त डी मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ाएगी और इंटरेस्ट रेट स्टेबिलाइज करेगी ऑन दी अदर हैंड अगर मनी मार्केट में डिमांड कॉन्स्टेंट है एंड सप्लाई इंक्रीज़ हो गया सप्लाई इंक्रीज होता है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है और उसे स्टेबिलाईज़ करना है तो डी एफ एच आई फंड्स की डिमांड करेगी जिसके थ्रू इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ होके फिर से स्टेबिलाइज़ होगा देन uh, 1996 में आर ने डी को प्राइमरी डीलर का भी स्टेटस दे दिया है प्राइमरी uh, डीलर क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्राइमरी uh, डीलर्स 1995 में आर ने इंडियन मनी मार्केट में प्राइमरी डीलर्स को इंट्रोड्यूस किया इंटेंशन उसके पीछे एक ही था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट को डेवलप करना तो भी प्राइमरी का डीलर्स का काम क्या होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली गवर्नमेंट से बाय करता है मतलब गवर्नमेंट को बायर्स के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा इमिडिएटली गवर्नमेंट को फंड मिल जाएगा हाँ बट प्राइमरी डीलर जब ये परचेज करते हैं तो उनका इंटेंशन होता है कि वो सेकेंडरी मार्केट में सेल करें तो डीएफएचआई को भी प्राइमरी डीलर का स्टेटस देने की वजह से मनी मार्केट में स्पेशली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में डीएफएचआई का रोल इंक्रीज हुआ है आई होप आपको यहां तक समझा होगा अब नेक्स्ट देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इंडियन मनी मार्केट यहाँ पे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है प्लेयर्स है हर एक की एक्टिविटी हर एक के की लेंडिंग एंड बोंग एक्टिविटी डिफरेंट है उनके डिपॉजिट कलेक्ट करने के मेथड डिफरेंट है इसी के साथ ये अगर देखा जाए तो ये हमें रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं और बहुत सारे लोग इनके ऊपर डिपेंड भी रहते हैं तो इनमें से जो फर्स्ट है वो है इंडिजीनियस बैंकर्स इंडिजीनियस बैंकर्स मीन्स एक पर्सन पर्टिकुलर पर्सन जो बैंकिंग का बिजनेस करता है वो लोगों से डिपॉजिट्स कलेक्ट करता है उनको खुद के कुछ फंड्स यूज करता है और ट्रेडर्स को वगैरह लोन प्रोवाइड करता है और लोन प्रोवाइड करने के लिए बहुत बार वो हंडीज़ का यूज़ करते हैं हंडी यानी कि एक इंडिजीनियस टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जैसे कि दो ट्रेडर हैं एक ने परचेज किया है एक ने सेल किया है तो जिसने परचेज किया है उसको सेलर के दिन सेलर को पे करने के लिए इमीडिएट फंड्स अवेलेबल नहीं है तो ऐसे वक्त क्या करता है वो सेलर को एक हुंडी निकाल के देता है और सेलर वो हुंडी इंडिजिनियस बैंकर्स को दे के बैंकर्स से उसके अगेंस्ट लोन ले सकता है इंडिजीनियस बैंकर्स जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो हर एक इंडीजीनियस बैंकर्स का अलग अलग होता है देन उनके ऑपरेशंस बहुत ही क्विक होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं लोगों को इजीली लोन प्रोवाइड किया जाता है दे आर कन्फाइंड टू सर्टन कास्ट और उनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है जैसे कि कोटवाल्स चेट्टीज श्रॉफ सराफ्स और वो साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिजीनियस बैंकर्स का जो इंपॉर्टेंस है रिसेंट टाइम में कम हो रहा है क्योंकि बहुत बार वो बहुत ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं जैसे कि थर्टी सिक्स परसेंट तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं वो कंबाइन करते बैंकिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ तो एक चीज़ पे उनका कंप्लीटली फोकस नहीं है एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि आजकल वो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज में जैसे कि वो ट्रेड गैमलिंग वगैरह एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते हैं देन सेकेंड है मनी लेंडर्स मनी लेंडर्स एंड इंडिजीनियस बैंकर्स में अगर हम लोग कंपेयर करें तो मनी लेंडर्स प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव दोनों पर्पजेज़ के लिए लोन देते हैं जबकि इंडिजीनियस बैंकर्स प्रोडक्टिव लोन पे ज्यादा फोकस करते हैं मनी लेंडर्स अगर इनका कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें कॉमन देख सकते हैं जैसे कि प्रॉम्प्टली इजीली फ्लेक्सिबली वो लोन प्रोवाइड करते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे भी लोन प्रोवाइड किया जाता है बट इनका लोन जो अनप्रोडक्टिव होता है वो ज्यादा होता है ये भी बहुत ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वी कैन फाउंड देम मोस्टली इन द रूरल एरियाज एंड बहुत बार वो जो रूरल आर्टिसंस या फार्मर्स वगैरह है उनके अकाउंट्स भी मैनिपुलेट करते हैं देन थर्ड है अनरेग्युलेटेड नॉन बैंक फिनेंशियल इसमें से फर्स्ट पॉइंट है चिट फंड्स चिट फंड यानी कि बहुत बार हम लोग बी या फिर बी ये नाम से इस फंड्स को जानते हैं जिसमें कुछ लोग मंथली कुछ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक के नाम के चिट बनाए जाते हैं एक रैंडमली वो चिट में से एक चीट उठाई जाती है और उस उसपे जिसका नाम होगा उसे वो फंड दिया जाता है तो इट इज कॉल्ड एज भीशी या फिर चीट फंड तो चीट फंड हमेशा दो टाइप के होते हैं फर्स्ट होता है चीट फंड बाय ड्रॉज जैसे कि एक चीट निकाली जिसका नाम है उसे फंड दे दिया गया दूसरा टाइप होता है चीट फंड बाय बिड बिड यानी कि बोली लगती है बोली लगती है मतलब सपोज दस बिजनेस मैन है दस बिजनेस में दस, छोटे बिजनेस किसी गाँव में या फिर सेमी अर्बन एरिया में तो उन्होंने दस दस पर मंथ कॉन्ट्रीब्यूट किया एक महीने में उनके अमाउंट कलेक्ट होती है वन लाख रुपीस अभी यहाँ पे बोली लगती है कम 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 यानी कि जो सबसे कम बोली लगाएगा उसे वो फंड दिया जाएगा एक लाख रुपए का फंड कलेक्ट हुआ है तो सपोज एक ने बोला अस्सी हज़ार दूसरे ने बोला पचहत्तर हज़ार तीसरे ने बोला सत्तर हज़ार तो सबसे कम बोली लगाई सत्तर हज़ार वाले ने तो वो जो अमाउंट कलेक्टेड है जिसने सत्तर हज़ार बोला उसे दे दिया जाएगा और जो बाकी तीस हजार बचते हैं वो बाकी मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं चीट फंड बाय बिड देन निधिज निधिज में भी क्या होते हैं अलग अलग मेंबर्स होते हैं मेंबर्स कुछ अमाउंट पर मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं जो कलेक्टेड अमाउंट है वो किसी भी एक मेंबर को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके लेंड की जाती है जैसे कि मेंबर को घर में कुछ रेन्यूएशन करना है कुछ छोटा बड़ा काम है तो निधिज के थ्रू वो फंड बोरो कर सकता है चीट फंड एंड निधिज ये दोनों भी इंडिया के साउथ पार्ट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है देन लोन कंपनीज इन्हें फिनंस कंपनीज भी कहा जाता है ये जनरली लोगों को अलग अलग अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव स्कीम्स दे के लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं जो भी डिपॉजिट उनके पास कलेक्ट होते हैं उसमें कुछ खुद के फंड्स ऐड करते हैं और कुछ मनी बोरो करते हैं और उनके जो टोटल कलेक्टेड फंड है उसमें से कुछ अमाउंट फॉर सेफ्टी वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और बाकी रिमेनिंग अमाउंट वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट में लेंड करते हैं इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी 48 परसेंट तक ज्यादा हो सकता है 48 मतलब देखो ना नियर बाय जितना मैंने किसी ने बोरो किया है उसका हाफ अमाउंट आप एज ए इंटरेस्ट पे करते हो लोन कंपनीज को वो जनरली ट्रेडर्स सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी लोन प्रोवाइड करते हैं एंड देन लास्ट ईयर इज फिनांस ब्रोकर फिनेंस ब्रोकर ब्रोकर मतलब क्या कि मिडल जो लेंडर एंड बोरोवर दोनों के बीच में एज ए मिडलमैन काम करता है और इसके लिए वो एक अच्छा सा कमीशन भी चार्ज करता है ये फिनेंस ब्रोकर जनरली अर्बन मार्केट जैसे कि ग्रेन मार्केट है क्लोथ मार्केट है ऐसे मार्केट्स में हम लोग देख सकते हैं आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है देन प्लीज राइट अस इन टू द कमेंट सेक्शन अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपने इकोसो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इकोसो एंड प्रेस द बेल आइकॉन तो आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी थैंक यू एंड टेक केयर